हेलो एंड वेलकम टू शिवन क्रिएशन। आज हम आपको ये बैग बनाना सिखाएंगे सबसे आसान तरीके से। तो ये जो बैग मैं बनाऊंगी वो बहुत ही यूज़फुल बैग हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने जो कपड़ा लिया है इसका लंबाई है 20 इंच, 20 इंच लंबाई है और चौड़ाई है यहाँ से 17 इंच। ऐसे कपड़े लेके मैं आज आपको ये बैग बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले कपड़े को हमको फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करके हम बैग बनाएंगे और इसके अंदर हम फोम देंगे। तो ऐसे फोम अंदर देके मैं ये बैग बनाऊंगी। अगर आपके पास ऐसा फोम नहीं है तो आप किसी इस तरह की बिग शॉपर लेके बिग शॉपर को इसके नाप से काट के आप बना सकते हैं। तो मेरे पास फोम है तो मैं ये फोम से बनाऊंगी। इस नाप से हमको एक फोम काट लेना है, ऐसे इसी नाप से। तो मैं ये जो कपड़े का साइज है इस साइज से मैं ये फोम को मैंने काट लिया है। अब इसके अंदर मैं ये फोम देके सिलाई कर लूँगी। इसके अंदर मैं ऐसे फोम रख के और ऐसे मैं सिलाई कर दूंगी यहाँ से और यहाँ से भी। ऐसे तीनों साइड से फोम को अंदर देके फोम के साथ ही मैं ये सिलाई दूंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो देखिए ऐसे मैंने अंदर ये फोम डाल के ये सिलाई कर लिया। आप बिग शॉपर काट के भी ये शेप दे सकते हैं ऐसा अंदर देने के लिए। तो एक्स्ट्रा जितना है फोम हम ऐसे एक्स्ट्रा को हम ऐसे सिलाई करने के बाद काट लेंगे। अब ऐसे काटने के बाद हम ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टा करके ऐसे रख के इस साइड से ऐसे होते हुए नीचे ऐसे सिलाई दे देंगे और हम साइड में बेल्ट लगाएंगे। आप जिस साइज का बेल्ट चाहते हैं, तो आप लंबा चाहते हैं तो लंबा लीजिए। मैं लूँगी 50 इंच का लंबा बेल्ट, क्योंकि हमको हम जब स्कूटी बाइक चलाते हैं तो हमको साइड में बैग रहता है तो अच्छा होता है। तो ऐसे लेने के लिए मैं इस साइड में लंबा बेल्ट बनाऊंगी। तो बेल्ट का जो लंबाई होगा वो होगा 50 इंच। तो बेल्ट का लंबाई होगा, यहाँ से मैं लूँगी ऐसे, मैं लूँगी 50 इंच। तो एक इंच से 50 इंच तक लंबा मैं बेल्ट बनाऊंगी और कपड़ा जो है उसका चौड़ाई मैं लूंगी 5 इंच। तो 5 इंच लेने से जो बेल्ट है वो थोड़ा मोटा होगा और अच्छा होगा, इसलिए मैं 5 लूंगी। आप 4 लेके भी बना सकते हैं। इतना लंबा कपड़ा नहीं है तो कपड़ा आप बीच से काट के जोड़ के भी इतना लंबा बेल्ट बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे मैंने ये सिलाई किए थे। तो जिस साइड आपको बाहर रखना है उस साइड को हम ऐसे फोल्ड करके अंदर देंगे, क्योंकि सिलाई के बाद ये पलट जाएगा और ये साइड जो है ये साइड ऊपर रहेगा। ये जुड़ा हुआ साइड था, हमको चेन लगाने में आसानी होगी इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। अब यहाँ से जोड़ के यहाँ से स्टार्ट करके नीचे होते हुए यहाँ तक मैं सिल लूँगी, फिर इस पर बेल्ट लगाएंगे और चेन लगाएंगे और ऐसे अंदर चाप रख सुई रख के हम चाप को उठा के यहाँ तक सिल देंगे। ये ऐसे मैंने सिलाई कर दिया। वो कॉर्नर का जो एक्स्ट्रा है हम थोड़ा करके काट लेंगे। अब इसको पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद ऐसा हो गया कॉर्नर जो है, ये आप स्क्रू के मदद से इसको ऐसे कर लीजिए। और दोनों कॉर्नर ऐसे तैयार करने के बाद हमको बेल्ट तैयार करना होता है। आप बेल्ट के लिए मैंने 50 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। तो मेरे पास उतना लंबा कपड़ा नहीं था तो मैंने ये दोनों कपड़े जोड़ के 50 इंच का कपड़ा बनाऊंगी। आप ऐसे एक फोल्ड देंगे और ऐसे एक फोल्ड देंगे। तो दोनों ऐसे फोल्ड देने के बाद
हम इसके ऊपर ये दे के यहाँ से सिलाई दे के बेल्ट तैयार करेंगे। तो ऐसे बना के यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करके पूरा बेल्ट जो है सेम इसी नाप से हमको बेल्ट तैयार करना है। तो ऐसे सिलाई देते हुए मैंने पूरा बेल्ट तैयार कर लिया है। अब हमको बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट यहाँ से हमने सिलाई दिया था, देखिए एक साइड जो है ऐसे प्लेन साइड है क्योंकि कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया था, और एक साइड ही ऐसे जुड़ा हुआ साइड है। तो एक साइड हमको प्लेन में ही लगाना है और एक साइड जो जुड़ा हुआ साइड है बाहर से ही लगाना है। तो हम लगाएंगे ऊपर से थोड़ा नीचे, ऐसे थोड़ा नीचे हम पहले ऐसे सिलाई देंगे, फिर हम ऐसे सिलाई देंगे। थोड़ा सा फोल्ड करना है, थोड़ा सा फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करके हमको यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो बैक को कुछ ऐसे रख के हमको सिलाई लगाना है। देखिए बैक को कुछ ऐसे रखना है, रख के हमको यहाँ पे बेल्ट एक साइड का बेल्ट लगाना है। ऐसे फिर हमको ऐसे करके चारों साइड से सिलाई लगाना है क्योंकि ये बेल्ट के ऊपर बैग में जो रहता है पूरा भार जो है इसके ऊपर आएगा, तो ये सिलाई हमको मजबूत होना चाहिए। तो देखिए एक साइड में मैंने ऐसे बेल्ट लगा दिया है और दूसरा साइड भी सेम ऐसे। आप बेल्ट अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाथ में रखे छोटा करके तो आप ऐसे छोटा करके भी आप बेल्ट बना सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं इतना छोटा करके। अगर आप बड़ा चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, लंबाई आप अपने हिसाब से लीजिए। अब इस ये जो साइड है इस साइड से इसके बीच से हमको ऐसे पकड़ के बीच में पकड़ के फिर इसको ऐसे रखना है और ऐसे बेल्ट को थोड़ा रख के थोड़ा फोल्ड करके फिर यहाँ से भी हमको जहाँ से यहाँ से सिलाई दिया था इस साइड भी सेम यहाँ से हमको सिलाई देना है, वो भी ऐसे जैसे इस साइड सेम इस साइड सिलाई देना है। तो देखिए ऐसे करके मैंने यहाँ पे जो बेल्ट जो है वो लगा दिया है दोनों साइड से, और ऊपर एक इंच तक मैंने बेल्ट को नहीं लगाया, ऐसे खुला है क्योंकि हमको चेन लगाना है। अब चेन लगाएंगे तो चेन का जो एक साइड है एक साइड को ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और चेन जो है वो पहले खोल लेंगे, खोल के किसी एक कॉर्नर से यहाँ से ऊपर से हाफ इंच नीचे ऐसे करके हम सिलाई देते जाएंगे। तो बीच से छोड़ के बीच जहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है वहाँ से छोड़ के, इतना बड़ा चेन है तो हम थोड़ा छोड़ देंगे, छोड़ के हमको बीच से चेन लगाना है। तो चेन को ऐसे पकड़ के ऊपर से आधा इंच नीचे हम ऐसे चेन को लगाते जाएंगे, यहाँ से मशीन में यहाँ तक लगाएंगे एक साइड। तो देखिए जब हम चेन को लगाएंगे थोड़ा सा ऐसे पाइपिंग जैसा ऊपर रह जाएगा और थोड़ा नीचे हम सिलाई देंगे ऐसे यहाँ तक। देखिए सेम डिस्टेंस से हमको चेन लगाना है और बीच तक हमको चेन लगाना है। आप हाथ से भी पहले लगा सकते हैं चेन फिर मशीन में लगा सकते हैं। एक साइड का चेन लगाना हो गया। अब देखिए चेन को जब लगाएंगे हमेशा ऐसे ये जो नॉब है ऐसे आप ऊपर रखिए और ऐसे नीचे करके ऐसे करके चेन लगाइए। अब दूसरा जो साइड है वो साइड ऐसे अंदर चला जाएगा, तो दूसरा साइड भी सेम चेन को ऐसे खोल लेंगे और दूसरा साइड से स्टार्ट करेंगे ऐसे जैसे इस साइड लगाए थे। फिर हम ऐसे पलट लेंगे, पलट के थोड़ा ऊपर कपड़ा जो है थोड़ा ऊपर रहना चाहिए और नीचे से हम सिलाई देंगे। तो देखिए दूसरा साइड जब लगाएंगे पहले साइड जितना ऊपर ऐसे खुला हुआ साइड था और दूसरा साइड भी सेम ऐसे करके लगाएंगे।
आप सिलाई देंगे यहाँ तक। ये ऐसे मैंने चेन को लगा दिया है। अब जो एक यहाँ से थोड़ा सा काट लेंगे एक्स्ट्रा, और ये जो कॉर्नर था इसको ये अंदर दे देंगे। अब चेन लगाना हो गया। अच्छे फिनिशिंग के लिए आप इस साइड और इस साइड हाथ से थोड़ा सिलाई दे सकते हैं। तो देखिए ऐसे करके मेरा चेन लगा दिए मैंने, और ऊपर से चेन दिखाई नहीं देगा इसलिए थोड़ा अंदर से मैंने चेन को लगाया है। ऐसे मैंने ये बैग पूरा तैयार कर लिया है। आप डेकोरेशन के लिए कुछ लगा सकते हैं, जैसे ऐसे लेस आप लगा सकते हैं, आप सुई धागा की मदद से भी इसको ऐसे लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे गम लगा के भी इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो ऐसे लगाने के बाद मैं इसके लिए कुछ बीड्स यूज़ करूँगी डेकोरेशन के लिए, जैसे इसके साथ कलरफुल कुछ बीड्स मैं इस पर लगाऊँगी। कुछ बीड्स हैं, आप इसको सुई धागा की मदद से भी इसको लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे गम दे के भी इसको लगा सकते हैं। आप बीट्स को जब लगाएंगे तो बैग के अंदर से सुई डाल के, ऐसे अंदर से सुई डाल के फिर आप बीट्स लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे फिर दूसरा आप ऐसे सुई को बाहर करके इसके ऊपर आप बीट लगाइए। आपके पास फैब्रिक गम है तो आप फैब्रिक गम के मदद से भी ऐसे लगा सकते हैं। इसका अंदर कपड़ा है और फोम है तो आसानी से इसको ये सिलाई भी हो जाता है। ऐसे जितना आप चाहें बीट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीट्स लगाया है। आप डेकोरेशन के लिए कुछ अलग चीज़ भी लगा सकते हैं। और नीचे मैंने फैब्रिक गम की मदद से इसको, ये जो लेस है इसको मैंने लगा लिया। आप यहाँ पर भी फैब्रिक गम लगा के ये डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे करके मैंने ये पूरा बैग कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिवम क्रिएशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।